हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। ठीक है, पिछले जो तीन लेक्चर हैं उनमें हम लोगों ने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा था क्लासिफिकेशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन जाना था पहले हमने, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ा। नंबर जो दो लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा नेमिंग मेथड, यूपीएससी नेमिंग, और हमारी जो ट्राइबल मेथड होती है रूट पद्धति। और नंबर तीन जो लेक्चर था हमारे पास उसके अंदर हमने पढ़ा था आइसोमेरिज्म को, समावयवता को, और उसके बाद हमने जाना था सी एक्स बॉन्ड का जो नेचर होता है उसके बारे में, कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसका क्या नेचर होता है। ठीक है, अभी तक के तीन लेक्चर के अंदर हमने ये बातें डिस्कस कर ली है। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, पिछले तीन वीडियो, तो आप एक बार उन वीडियोज को देखिए, उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर फोर है, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, जिसके अंदर हम पहला मेथड जो डिस्कस करेंगे वो है एल्कोहल पर HX की क्रिया द्वारा। ठीक है, हमारे पास कोई भी एल्कोहल हो सकता है और उसके ऊपर HX का मतलब ये है कि हाइड्रोजन हैलाइड होगा। ठीक है, X की जगह कोई भी हैलाइड आपको देखने को मिल सकता है एक्सेप्ट फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन का कोई हैलाइड आपके साथ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, उसका क्या रीजन है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि जब एल्कोहल की क्रिया हम HX से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। ठीक है, अब ROH जो है ये हमारे पास कोई एल्कोहल है। ठीक है, R की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है इसके साथ, एक कार्बन का भी हो सकता है, एल्कोहल दो का भी हो सकता है। ठीक है, इसके साथ हमने कोई भी HX ले लिया है। ठीक है, अभी हम जनरल रिएक्शन देख रहे हैं, उसके बाद एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने HX ले लिया है, जब इसको हीट करते हैं दोनों को हम, तो यहां से H2O रिलीज हो जाता है। OH माइनस कहां से मिलेगा आपको? ROH से। और H प्लस कहां से मिलेगा? X से। ठीक है, आप जानते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, एल्काइल समूह पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। यहाँ पे H प्लस और X पे माइनस, जो ये OH माइनस और H प्लस दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? H2। ठीक है, और R प्लस और X माइनस ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? RX। इसको हम क्या कह देंगे? एल्काइल हैलाइड। इंग्लिश में उच्चारण हो जाता है एल्काइल हैलाइड, हिंदी में उच्चारण हो जाता है एल्किल हैलाइड, बात एक ही है। ठीक है, और पानी बाहर निकल जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल को। तो हमारे पास पहला एग्जांपल है, एक कार्बन का हमने एल्कोहल लिया हुआ है यहाँ पे CH3OH, मेथेनॉल जिसको कहते हैं आप। ठीक है, इसके साथ हमने HCl लिया हुआ है। ठीक है, वही तरीका अपनाएंगे हम, यहाँ से क्या रिलीज करवा देंगे? H2। जैसे इसको हीट करेंगे यहाँ से क्या निकल जाएगा? पानी बाहर निकल जाएगा, CH3Cl क्या बन जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने इथाइल एल्कोहल ले रखा है, दो कार्बन का एल्कोहल है। ठीक है, तरीका वही है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा? H2O। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? -H2। हीट करने पर उसकी क्या फॉर्मेशन होगी? CH3CH2Cl। इसको हम क्या कह देंगे? इथाइल क्लोराइड, या हिंदी में इसको बोल देते हैं एथिल क्लोराइड। ठीक है ना, उच्चारण का थोड़ा डिफरेंस होता है लेकिन बात एक ही है। नेक्स्ट अगर डिस्कस करें तो हमारे पास आइसोप्रोपिल एल्कोहल है। ठीक है, वही काम करना हमें, यहाँ पे हमने HI लिया हुआ, तो यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा? H2। हीट करेंगे तो H2 बाहर। ठीक है, और क्या फॉर्मेशन हो जाएगी? आइसोप्रोपाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑर्डर जो है वो आपको याद रखना है कि एल्कोहल जो है, जो भी एल्कोहल हम यहाँ पे ले रहे हैं उसके प्रति हाइड्रोजन हैलाइड जो है, जो भी हाइड्रोजन हैलाइड है, चाहे हम HCl की बात करें या HI की बात करें या HBr की बात करें, तो उसकी क्रियाशीलता क्रम क्या होता है? तो उस क्रियाशीलता क्रम ये होता है कि सबसे फास्ट रिएक्ट जो है वो करता है HI, उसके बाद करता है HBr, उसके बाद करता है HCl। ठीक है, एक ऑर्डर है जिसको आपको याद रखना, इस ऑर्डर के पीछे क्या रीजन है वो एक डिटेल डिस्कशन है। ठीक है, तो हम लोग इसको अगर पढ़ भी लें तो भी आप 12th लेवल तक इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता कि ये इस ऑर्डर के पीछे क्या रीजन है कि सबसे आगे HI क्यों आया, उसके बाद HBr क्यों आया, उसके बाद HCl क्यों आया। मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ, ये जो रिएक्शन हम देख रहे हैं ये एक एसिडिक मीडियम में होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जो ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो HCl लें, चाहे आप HBr लें या HI लें, आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव। इसके ऊपर कैसा चार्ज रहेगा? नेगेटिव। ठीक है, आंशिक रूप से। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है ये प्रोटिक हाइड्रोजन है या अम्लीय हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है ये यहाँ पे इस पे अटैक करेगा और ये H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब निकाल लेना, तो ये हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेगा। तो ये क्या बन सकता है? CH3। इस ऑक्सीजन के ऊपर एक हाइड्रोजन पहले से, एक हाइड्रोजन और आ गया, ऑक्सीजन के बॉन्ड कितने बन गए? तीन। कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव और लोन पेयर। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन निकलने के आधार पे ही क्या दिया जाता है? ये ऑर्डर। ठीक है, और HF जो है वहां से H प्लस को निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए HF को ऑर्डर में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम फर्दर डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रोटोनेशन होता है पहले ऑक्सीजन के लोन पेयर का, उसके बाद
यहाँ से रिमूवल ऑफ H2O होता है, यहाँ से रिमूव होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, इस कार्बोकेटाइन पे Cl- का अटैक होता है। ठीक है, आप पता है भाई यहाँ पे ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज को ऑक्सीजन हटाना चाहेगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, H2O। अब आपको पता है होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ है, सॉरी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हुआ है विषमांश विखंडन, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज छोड़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा, फिर Cl- और क्या बना देगा, CH3Cl। ये एक मैकेनिज्म है, मैं कभी इन फ्यूचर आपको पढ़ा भी दूंगा, ठीक है ना। अभी केवल आप इतना जान लीजिए कि ऑर्डर होता है सबसे आगे HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म होता है, मैं आपको डिटेल डिस्कशन कभी करवाऊंगा। अभी हम चलते हैं आगे, हमारा दूसरा मेथड है हाइड्रोकार्बन एल्केन से। ठीक है, जब हाइड्रोकार्बन एल्केन की क्रिया आप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं, जिसको आप HNO भी लिखते हैं, तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। इस सभी क्रिया से मोनो हेलोजन व्युत्पन्न के साथ साथ डाई कोमा ट्राई कोमा टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये मेथड हमने क्लास 11 में भी डिस्कस किया था। अब इसको यहीं पे देखते हैं दोबारा, और इसको हम मैकेनिज्म के साथ भी देखेंगे इस चैप्टर में आगे। अभी हम केवल रिएक्शन देखेंगे, आपके पास क्या है, मेथेन है CH4, इसके साथ हमने रिएक्शन करवा दी किसकी, Cl2 की। HNO का मतलब है प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, यहां से क्या रिलीज हो जाएगा, एक Cl और एक H किसके रूप में बाहर, HCl के रूप में। CH3 बचेगा और उसके साथ एक Cl, किसके रूप में बाहर, क्या क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3Cl। क्या हो जाएगा नाम इसका, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है ना, आप पूरा लिखेंगे। इसके बाद हमने लिया है यहाँ पे एथेन, ठीक है ना, दो कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, तो इसके साथ हमने Cl2 की रिएक्शन करवाई है, तो एक हाइड्रोजन और एक Cl किसके रूप में बाहर, HCl, और क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl, नाम क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म भी है, इसी चैप्टर के अंदर आगे हम पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म भी, और क्लास 11 में भी हम डिस्कस करके आए हैं इसको डिटेल मैकेनिज्म, इसको हम जानेंगे आगे इसी चैप्टर में। नंबर 3 है एल्कीन से, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे मार्क करेंगे आप इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखेंगे भाई इस बात को, जब एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं, मतलब वही HX से करवा रहे हैं भाई, किस पे एडिशन करवाना आपको, एल्कीन पे, तो एल्काइल हैलाइड का निर्माण होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे एल्काइल हैलाइड का निर्माण, करके आए हम पीछे भी। असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता है। ठीक है, असममित एल्कीन का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं और आप जानते भी हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि क्या है मार्कोनिकोव, क्या है एंटी मार्कोनिकोव, दोनों कॉन्सेप्ट यहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके पास एक एल्कीन है, मैंने एग्जांपल लिया है, ये एल्कीन है सममित एल्कीन, कैसे पता करते हैं, डबल बॉन्ड होगा भाई एल्कीन में, अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम एनवायरमेंट है, या आप ये भी कह सकते हैं इसको एक्सप्लेन करने का दूसरा तरीका भी होता है कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, तो यहां पे भी एक है, यहां पे भी एक है, तो ये कैसी एल्कीन है, सममित एल्कीन है। ठीक है, इस पे आपको किसका एडिशन करवाना है, HCl का। अगर मैं आपसे कहूं आपको एडिशन करवाना है HCl का, इसका मतलब ये हाइड्रोजन भी जुड़ेगा और Cl भी जुड़ेगा, पूरा ही HCl जुड़ेगा। इस डबल बॉन्ड को आप शिफ्ट करवा दें यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी शिफ्ट करवा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। बात है कि अगर मैं इधर शिफ्ट करवाता हूं तो यहां पे मैं कह सकता हूं यहां पे कैसा चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव, यहां पे कैसा चार्ज बन गया, नेगेटिव, आंशिक रूप से नहीं आएगा क्योंकि मैं बॉन्ड को पूरी तरह शिफ्ट करवा रहा हूं। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे सर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव आप कैसे बना सकते हैं, तो आप एक इफेक्ट पढ़ के आते हैं, कौन सा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो मैं इसको शिफ्ट करवाऊंगा तो ऐसे शिफ्टिंग होगी, इस पे प्लस और इस पे माइनस। अब आपको पता है यहां अगर हम बात करें पोलैरिटी की, ध्रुवणता की, तो यहां पे कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिव, यहां पे कैसा चार्ज रहता है, नेगेटिव। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि हाइड्रोजन कहां चला जाएगा, इस CH2 पे, तो ये क्या बन जाएगा, CH3। ये CH2 पे क्या जुड़ जाएगा, Cl, क्या लिख सकते हैं, CH3CH2Cl। ठीक है, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करवाता हूं तो इस पे कैसा चार्ज, नेगेटिव, नेगेटिव पे क्या चला जाएगा, H+, तो क्या बन जाएगा, CH3। फिर CH2 के जो पॉजिटिव बना उस पे क्या जुड़ जाएगा, Cl, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl। बात है कि इधर शिफ्ट करवाएं या इधर शिफ्ट करवाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फर्क कब पड़ता है, जब हम क्या ले लेते हैं, असममित एल्कीन। क्या डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम एनवायरमेंट है, नहीं है, डबल बॉन्ड के इधर कितने कार्बन है, दो, इधर केवल कितना कार्बन है, एक। अब फर्क पड़ता है जब आप किसका एडिशन करवाएंगे, हाइड्रोजन हैलाइड का, यहां आता है कौन, मार्कोनिकोव। अब HBr का आपको एडिशन करवाना है तो आप कैसे करेंगे शिफ्टिंग, अब आपके पास समस्या आ गई कि आप इस डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट करवाएं या यहां शिफ्ट करवाएं। तो मार्कोनिकोव ये कहता है कि अगर आप डबल बॉन्ड को कहां शिफ्ट करवाएंगे, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, अगर ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है तो आप उस रास्ते को चुनेंगे जिस जो रास्ता ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन से होकर गुजरता है। समझना इस बात को, अगर सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, मैं इस डबल बॉन्ड को अगर बाहर शिफ्ट करता हूं
तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज बन गया? पॉजिटिव। यहाँ पे कैसा चार्ज बनेगा? नेगेटिव। यही होगा। अगर इस कार्बन की बात करें तो कितने कार्बन से अटैच है? दो कार्बन से। तो कितने डिग्री कार्बोकेटन बनेगा? 2 डिग्री। अगर मैं आपको कहूं कि इन केस मैं इसको यहां शिफ्ट कर देता हूं, इस पर कैसा चार्ज बनेगा? पॉजिटिव। इस पर कैसा चार्ज बन जाएगा? नेगेटिव। ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा? 1 डिग्री। ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 2 डिग्री या 1 डिग्री? तो आप कहेंगे सर 2 डिग्री होता है। तो मैं आपसे कह सकता हूं, अगर आप इस डबल बॉन्ड को बाहर शिफ्ट करवाते हैं तो यहां नेगेटिव चार्ज, यहां कैसा चार्ज? पॉजिटिव। यहां आपको पता ही है, यहां पे नेगेटिव जनरेट होता है, यहां पॉजिटिव। Br कहां जुड़ेगा? बीच वाले कार्बन पे। ये हाइड्रोजन कहां जुड़ा जाएगा? इस कार्बन पे, क्योंकि कैसा चार्ज है इस पे? नेगेटिव चार्ज। ये किसके अनुसार बना है? मार्कोनिकोव के अनुसार, ठीक है। लेकिन यदि असममित एल्कीन पर परोक्साइड की उपस्थिति में HBr का योग करवाया जाए तो वो किसके अकॉर्डिंग होता है? एंटी मार्कोनिकोव के अनुसार। इसको बोला जाता है परोक्साइड प्रभाव। अगर आपको एरो के निशान पे क्या लिखा हुआ मिल जाए, या तो परोक्साइड या परोक्साइड लिया हुआ हो, ठीक है। परोक्साइड का मतलब यह है कि वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में आपको बॉन्ड नजर आ जाए, मैंने ब्रैकेट में मेंशन भी किया है। तो आपको एडिशन HBr का ही करवाना है और एल्कीन पर ही करवाना है। लेकिन अब एरो पे आपको क्या दिख गया? परोक्साइड। क्या ऊपर लिखा हुआ था कहीं परोक्साइड? नहीं लिखा हुआ था। अब अगर परोक्साइड की प्रेजेंस में यह अभिक्रिया करवाई जाती है तो इसको बोला जाता है एंटी मार्कोनिकोव, ठीक है। और एंटी मार्कोनिकोव का मतलब है मार्कोनिकोव के जस्ट अपोजिट। अब आपको अगर अपोजिट एडिशन करवाना है तो आप डबल बॉन्ड को कहां शिफ्ट करेंगे? यहां पे। क्योंकि अगर आप अंदर की तरफ अगर आप इसको शिफ्ट करेंगे बॉन्ड को, तो कितने डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा? 1 डिग्री। और अगर बाहर की तरफ करेंगे तो क्या कितने डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा? 2 डिग्री। अब हमें तो मार्कोनिकोव के उल्टे जाना भाई, क्योंकि अब एरो पे हमें क्या नजर आ रहा है? परोक्साइड। याद रखना भाई इस कंडीशन को। तो आप Br को कहां जोड़ेंगे? अब इस 1 डिग्री पे, ठीक है। यहां पे एक ऐसा चार्ज बन जाएगा। अब अगर रियली सॉरी, इस बॉन्ड को आप कहां शिफ्ट करवा देंगे? अब अंदर की तरफ, ठीक है। और Br को कहां जोड़ देंगे? इस वाले कार्बन पे, क्योंकि अगर आप अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहां कैसा चार्ज जनरेट होगा? पॉजिटिव। इस पॉजिटिव पे किसको जोड़ देंगे आप? Br को। ये क्या बन जाएगा? CH2Br। और इस डबल बॉन्ड को अगर इस कार्बन पे शिफ्ट करेंगे तो कैसा चार्ज जनरेट होगा? नेगेटिव। इस नेगेटिव पे आप किसको जोड़ देंगे? इस H+ को। समझ गए बात को? तो क्या बन जाएगा? CH3CH2CH2Br। बिल्कुल आसान है, मार्कोनिकोव के जस्ट ऑपोजिट है। तो आज की कहानी को करते यहीं खत्म। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे और हमारा जो निर्माण की विधियां हैं वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आप रिवाइज करते रहिए, रिविजन बहुत ज्यादा मस्ट है अगर आपको परसेंटेज आपके गेन करने हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो जो भी आपको अपडेट मिल रहे हैं, शायद हमारा वीडियो एक दिन डिले हो गया है, तो आपको हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कल ही मिल जाए। तो आप कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए और अपने नोट्स मेंटेन करते रहिए। थैंक यू।